एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। प्रेस क्लब में देश विरोधी नारे लगाने का मामला है ये, जिसमें मुदस्सर नाम के शख्स ने भीड़ जुटाई थी। ऐसा कहना है एसआर गिलानी का। पूछताछ के दौरान उन्होंने बात बोली, गिलानी के साथ दो और प्रोफेसर मौजूद थे, उनका कहना है। वहीं जेएनयू केस में ये अपडेट है कि दिल्ली पुलिस की रेड जारी है। जो छात्र नजर आ रहे वीडियोज में, उनको पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में पुलिस की रेड जारी है। भागे हुए आरोपियों की तलाश में ये रेड हो रही है पुलिस की। जिन स्टूडेंट्स का नाम एफआईआर में दर्ज है, उनकी तलाश लगातार जारी है। इसमें वो तमाम छात्र हैं जो साफ साफ वीडियोज में नजर आ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं यानी संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले तो कि गिलानी साहब ने जो बातें बताई हैं पुलिस को, उसके अनुसार ये जो मुदस्सर नाम का शख्स था जिसने भीड़ जुटाई थी, ये मुदस्सर के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस मुदस्सर की तलाश कर रही है। जैसा कि गिलानी जो है, उनको कल दो दिन की रिमांड पर भेजा गया था और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में उन्होंने ये खुलासा किया है कि राष्ट्र विरोधी नारे प्रेस क्लब में लगे थे। इतना ही नहीं, जो मुदस्सर नाम का शख्स है, उस शख्स ने प्रेस क्लब में भीड़ जुटाई थी और राष्ट्र विरोधी नारे लगे थे। इसके अलावा दो और प्रोफेसर भी वहां पर मौजूद थे। तो दिल्ली पुलिस मुदस्सर नाम के शख्स की तलाश कर रही है जिसने वहां पर नारेबाजी की थी। इसके अलावा आपको बता दूं, जेएनयू जो केस है उसमें दिल्ली पुलिस की लगातार रेड चल रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू में पुलिस की रेड चल रही है। जो छात्र, जो स्टूडेंट जो फरार है, उनके लिए पुलिस रेड कर रही है। इसमें उमर खालिद, आशुतोष कुमार भट्टाचार्य, रमा नागा और अनंता प्रकाश है। इन तो कई जगह पर पुलिस रेड कर रही है। जिन आरोपियों को साफ साफ देखा जा सकता है वीडियो में, उनको पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल